सुप्रभात, मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में बताऊंगा नील विद्रोह के बारे में। नील क्या है, नील की खेती विश्व में सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था, भारत में सबसे पहले इसकी खेती कहां करवाई गई थी और नील विद्रोह क्यों हुए थे और कहां हुए थे। सबसे पहले जाने हम लोग कि नील क्या है। नील एक रंग प्रदान करने वाला पौधा है, क्योंकि उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का मांग था, और सूती वस्त्र का जो धागा होता था वह पीला, और उस पीलेपन को दूर करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था, जिससे नील रंग देने के बाद वह धागा काफ़ी चमकीला और सफ़ेद दिखता था, इसीलिए नील। नील का खेती भारत में, यानी सबसे पहले जाने विश्व में सबसे पहले नील की खेती प्रारंभ हुआ था सेंट डोमिनिक में। वह स्थान का नाम है सेंट डोमिनिक, जो कैरिबियन द्वीप समूह में है, और इस यहाँ पर खेती सबसे पहले फ्रांस ने शुरू करवाया था, तब अन्य भागों में शुरू हो गए। भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी खेती भारत में सबसे पहले 1777 ईस्वी में बंगाल में करवाया गया था, और धीरे धीरे बंगाल, बिहार आदि स्थानों पर इसकी खेती प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में किसान तो बहुत उत्साहित होकर के खेती प्रारंभ किया, लेकिन उनके भूमि बंजर होने लगे। किसान चाहते थे बंगाल के कि हम चावल की खेती करें, लेकिन नील बगान मालिक चाहता था नहीं, तुम्हें नील की खेती करना होगा, और इसीलिए नील विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बन गया। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और बंगाल का गवर्नर जॉन ग्राम था, उसी के समय में यह विद्रोह हुआ था। और विद्रोह का प्रारंभ बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ था, और धीरे धीरे यह मालदा, दिनाजपुर, नादिया, बागना, खुलना, ढाका इत्यादि जगहों पर यह धीरे धीरे फैलता हुआ चला गया, यानी पूरे बंगाल में अधिकांशतः भागों में यह विद्रोह पनपता चला गया, जिसका कुछ भाग बिहार पर भी पड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा यह विद्रोह भयावह ले लिया था बंगाल में। और इसका कारण था कि नील बगान मालिक जबरन खेती करवाना चाहता था, जबकि किसान चाहता था कि हम ये खेती नहीं बल्कि चावल या अन्य चीज़ की खेती करें। और नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जाने, भारत में सबसे पहला सफल किसान विद्रोह नील विद्रोह ही माना जाता है। नील विद्रोह इसलिए सफल किसान विद्रोह माना जाता है कि किसानों ने इतनी भयावहता विद्रोह को दिखाया कि सरकार को इसके मांगों के सामने झुकना पड़ा, और उसने नील आयोग का गठन कर दिया। दूसरी बात है, उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, उन सबने भी नील विद्रोह का समर्थन किया था, जिनमें सबसे ज़्यादा समर्थन करने वाले थे हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनका सबसे बड़ा योगदान था। और नील बगान मालिक का जो अत्याचार किया जाता था, नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। यह भाई कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों के बगान मालिक के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, और उसी अत्याचार का खुला चित्रण किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा, और 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया, और इस नील आयोग के सुझाव पर और 1860 ईस्वी में बंगाल से नील की खेती बंद कर दिया गया, और इस तरह से नील विद्रोह समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। We'll be right back.